हाँ बेसिकली मैं बहुत यूज्ड टू मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म तो बहुत यूज्ड टू, लेकिन ये फर्स्ट इंग्लिश फिल्म करते वक्त थोड़ा करेज में हो रहा था, लेकिन हुआ करेज। दैट कुड आई गोज टू डॉक्टर रवि गोडसे, मेरा दोस्त आनंद काय एंड माय सन ऑफकोर्स, दे करेज मी लॉट फॉर डू दिस फिल्म। एक डिफरेंट फिल्म है, डिफरेंट कैरेक्टर तो वही मैं कर, मतलब बहुत से फिल्मों में ऐसे मैंने कैरेक्टर किया, लेकिन उसका स्क्रीन प्ले जो एक अलग है उसमें ये कैरेक्टर, मैं जो एक बहुत से फिल्मों में कैरेक्टर कर चुका हूँ, कॉमेडी कर चुका हूँ, लेकिन दिस ऑन बैकग्राउंड दिस काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले ये कैरेक्टर करते बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बेसिकली बैकअप द माइंड एक इंग्लिश फिल्म, एक डिफरेंट कैरेक्टर, दिलीप राव जैसा कैरेक्टर, डिफरेंट स्क्रीन प्ले, डिफरेंट स्टोरी, तो मैंने बहुत एंजॉय की ये फिल्म, रियली एंजॉय की, और बहुत इनोसेंट फिल्म है ये, कोई ऐसे प्रिटेंड नहीं कर रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इवन द आफ्टर हॉलीवुड फिल्म, इंग्लिश फिल्म, तो एक डिफरेंट फिल्म, वेरी इनोसेंट कैरेक्टर, और बेसिकली एक करेज ऐसे हुआ कि आई एम सो सैटिस्फाई एंड कूल कि हमारे मराठी एक्टर बहुत थे, और इंडिया में थी, कोल्हापुर में थी, जो कोल्हापुर में मैंने शुरू की फर्स्ट फिल्म की इन 1985, तो वहाँ इंग्लिश फिल्म करते हुए कैसे लगा कि यार सेम ग्राउंड आई एम ग्रोनिंग अप, तो एक ऐसे फील था, बहुत अच्छा फील था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश फिल्म करते वक्त तो सो टेंस था मैं, लेकिन मेरा जो को एक्टर था, मेरा दोस्त आनंद काय, ऑफकोर्स डॉक्टर रवि गोडसे, मैंने बहुत मैंने कूल किया, यार कूल गाय तू इंग्लिश, हमें ग्रामेटिकली बहुत कुछ नहीं चाहिए, तो करते करते मतलब एक डायलॉग तो मुझे आ ही नहीं था, याद नहीं होता, थोड़ा बड़ा डायलॉग था, मैं सामने के टेबल पर मैंने लिख ही लिया था, सामने के नीचे टेबल पर लिख ही लिया था, और वो पढ़ के मैंने बोला यार कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज थिएटर पर्सन हो, चिटिंग कब करता हूँ, क्या करता हूँ, एक्टर को मतलब लोगों को पता नहीं चलता, बस एक्टर में तो मजा आया, बहुत मजा आया। सर रिमेंबर अमनीजिया काफ़ी यूनिक टाइटल है, मतलब इस टाइटल और मूवी का संबंध जरा है। हाँ रिमेंबर अमनीजिया मतलब टाइटल तो बहुत, मतलब आदमी एक भूल जाता है, जाके भूल जाता है, अगेन याद आता है इधर रिमेंबर अमनीजिया, तो वो एक डिफरेंट ऐसे मैं बोला जाता है, एक ऐप टू स्क्रिप्ट, ऐप टू ये सब्जेक्ट, ये टाइटल हम तो बहुत यूज टू होते हैं कि सिम्बा, सिंघम, टोटल धमाल, वी आर यूज टू, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है, एक इनोसेंस सब है, इसलिए रिमेंबर एमनेशिया बहुत लिंकअप है, इट्स गुड, वेरी वेरी नाइस टाइप। सर लास्टली रवि गोडसे जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो काफ़ी पॉपुलर मूवीज दे चुके हैं, इसके बाद अब इतनी डिफरेंट मूवी है, उनके बारे में, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वही बहुत कूल, क्योंकि मैं जब टेंस था यार मैं कैसे फिल्म करूँ, एक कैरेक्टर कैसे करूँ, बोलो नहीं यार कूल यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं एक डायरेक्ट कर रहा हूँ फिल्म, मैं राइट कर रहा हूँ फिल्म, तो वाई यू टेंस, तो मुझे बहुत मजा है, मतलब एक शूटिंग करते हमारा जो तामझाम रहता है ना, बहुत से लाइटें, बहुत से लोग हैं, 250 लोग, जो मैं रोहित शेट्टी की फिल्म करता हूँ या इंदू ईरानी की फिल्म करता हूँ इंद्र कुमार की, तो 200-250 लोग हैं यार, तो कैमरामैन से लेके एक्टर से लेके 7 या 8 लोग थे, तो इवन जो मराठी फिल्म करते तो मराठी फिल्म करते भी 80-90 लोग रहे थे, क्योंकि वेरी कूल गए, 7-8 लोग है, कूलली हो रहा है, कोई रश नहीं, कोई हरी नहीं, ही इज वेरी कूल, तो मैं पहले दिन तो बहुत शॉक था यार इतना कूलली कैसे हो रहा है, आई एम नॉट यूज टू फॉर दैट, लेकिन बहुत कूलली हो रहा था, और आप देख रहे वेरी कूल फिल्म। उसको डिफरेंट फिल्म है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छी लगेंगी, हमारी फिल्म आके देखो, रिमेंबर अमनीजिया, प्लीज़ प्लीज़ वॉच, वेरी नाइस एंड कूल फिल्म, थैंक यू, थैंक यू। तो आनंद सर आप इस फिल्म के एक पार्ट है, हॉलीवुड एक्टर्स मराठी एक्टर्स को मिला के मूवी बनाई गई है, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? तो बहुत ही बढ़िया था, और मेरा ये फर्स्ट मूवी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और जब ये रवि का प्रपोजल आया था इंडिया में शूट करना है, तब हम लोगों को पता नहीं था कि किस टाइप का रोल है और क्या क्या कास्टिंग रहने वाला है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि जो एचओडीज हैं वो वहाँ से आए थे, और वहाँ का यूनिट और यहाँ का यूनिट, वो थोड़ा सा उसमें एक काम करने में एक अलग मज़ा आ गया, क्योंकि उनका टेक्निक अलग है, वो अलग तरीके से काम करते हैं,
और हम लोग जो हैं, जो मैं हूँ, महेश जी हैं, महेश मांजरेकर हैं, श्रुति हैं, विजय जी हैं, वो हम लोग रेगुलरली मराठी फिल्म और हिंदी फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अंग्रेज़ी फिल्म करते समय बहुत सारी अलग टेक्निक यूज़ करने के लिए मिल गई, तो मज़ा बहुत आया। सर, आपके कैरेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली इस मूवी में जरा बता पाएंगे? जी, मैं इसमें समीर करके एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो एक प्लेटफॉर्म पे छोटी मोटी चोरियाँ करता हुआ एक चोर है। मैं और विजय जी दोनों की एक जोड़ी है, जो एक अब्रॉड से आया हुआ जो डॉक्टर है उसका लैपटॉप और वॉलेट वगैरह सब चुरा लेता है, उसकी वजह से वो डॉक्टर भी मुश्किल में आ जाता है। फिर उन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो मदद करने के लिए वापस आ जाते हैं। तो एक थोड़ा सा फनी एलिमेंट है उसमें, एक अलग तरीके से हम लोगों ने प्ले करने की कोशिश की है। और वो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि रिमेंबर एमनीशिया, ये जो टाइटल दिया है उसमें, एक्चुअली ये जो प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर रवि गोडसे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस था उनके प्रैक्टिस में, जो उन लोगों ने कुछ मिलाया था, उसके हिसाब से वो टाइटल भी था और उसके हिसाब से वो स्टोरी भी बनाया है। तो आप फिल्म देखोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा उसमें। सर, जैसा आपने कहा रिमेंबर अमनीशा काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग टाइटल है जी, तो इसके पीछे का बैकस्टोरी बता रहे थे, अगर उसे बता पाएंगे क्यों ऐसा टाइटल? क्यों है ऐसा नहीं है, पहले जब रवि का फ़ोन आया था तो उसमें वो पहला एलिमेंट था कि उसका मेमोरी चला जाता है, तो वो एमनीशिया के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किया वो किया, और उसके बाद उसने स्टोरी बताया तो वो ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार, एमनीशिया एक अलग डिजीज़ है और ये जो स्टोरी जा रही है वो अलग तरीके से एक कॉमेडी सस्पेंस इसके हिसाब से वो जा रही है। तो उसको याद नहीं आ रहा है कि वो उसको रिमेंबर उसको याद नहीं आ रहा है कि उसका एमनीशिया हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से उसने वो टाइटल रखा था जो एक कैची लगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, उसके हिसाब से उसने टाइटल दिया था। वो आप फिल्म देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया, रवि बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं और उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती है। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत साल से अमेरिका में रह चुका है, तो इंडिया में आजकल किस तरीके से हम लोग काम करते हैं वो शायद उसको पता नहीं था। तो इधर आने के बाद दो तीन दिन, चार दिन, जो पहले वाले चार दिन थे उसमें ही चला गया कि नहीं नहीं रवि, ये तरीके से नहीं बन पाएगा या ऐसा नहीं होता है या ये इधर वर्क नहीं करेगा, इसमें ही तीन चार दिन चले गए गए थे हमारे। जो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो सीक्वेंस था उसमें हम लोगों ने ट्रेन हायर की थी, पूरी की पूरी ट्रेन की थी, जहाँ जो एयरपोर्ट पे शूटिंग किया था उसमें पूरा एयरपोर्ट हायर किया था। लेकिन हम लोग जैसे जल्दी जल्दी, चलो यार हमारे पास सिर्फ 6 घंटा है या 7 घंटा है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते, वैसा उसके दिमाग में नहीं था। और यहाँ के जो एक्टर्स है वो, और दिलीप राव जो लीड कर रहा है इसमें, जिसने एविएटर में काम किया था, एविएटर 2 में भी वो अभी आ रहा है, इंसेप्शन करके मूवी थी उसमें भी आ रहा था, तो उसका एक स्कूल अलग है, एक्टिंग का भी स्कूल अलग है और जिस तरीके से वो शूटिंग करते हैं वो तरीका अलग है, और हम लोग जो काम करते हैं वो तरीका अलग है। तो उसमें बहुत सारी एक अलग तरीके से सीखने के लिए मिल गया हम लोगों को भी और उन लोगों को भी। जी, एक अलग तरीके से बनाई हुई फिल्म है। ज़्यादातर आप देखोगे तो बॉलीवुड में भी एक सिंगल प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर एक मूवी करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात है। इसने तो पिट्सबर्ग में रह के हॉलीवुड के लिए एक सिंगल प्रोड्यूसर के हिसाब से फिल्म बनाई है और उसने वो ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ भी की है, जो 22 तारीख को इंडिया में भी रिलीज़ करने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक सिंगल प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात है और एज प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर उसने बहुत अच्छी तरीके से उसकी जिम्मेदारी निभाई है। तो मुझे लगता है कि आप एक बार देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये मुश्किल काम रवि ने कैसे किस तरीके से किया है। थैंक यू। I have to look at her. I can't see her. I have to look in the camera. Hello. Okay. Ready?
you're playing a cameo in Remember Amnesia. Just please tell about your role in the film and how it's been working on. Look, instead of asking Mahesh Mandrekar, Shruti Marathe, Vijay Patkar, I hope you have asked him. These are people who have played role in the film. I have marked my presence because Ravi being a doctor, I being a doctor, we are from the same fraternity. And he was shooting in Goa when I was there. So there was hardly any role. But I am lucky, when Richard Attenborough was shooting in Pune, he asked me to do a cameo. Ravi Godse was shooting in Goa. I happened to be in Goa. He asked me to do a cameo. So it looks like my Patrika is marked with cameos. I love doing cameos. Because first thing is, then you don't have to ask about the film. You don't have to think much. You do it as a gesture of promoting, like what you are doing. You are doing a promotion of the film. So for that reason only, I did this film. I did a cameo. Now what I cameo did, what happened, I saw today. Now I know what the story is. That's a good thing. Sir, what cameo do you play? Just tell us about your small special. I play the security police at the airport. I check your passports and all that. That's what I did. So somebody who was carrying with the false passport, I got him. Very important role. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. So, attempt of Dr. Ravi Godse, it was fabulous. The way in which he has portrayed the film, the topic, first and foremost, I would like to highlight is that it's, out of the box. And, all these people are in and around with us. And when it comes suddenly in part of the film, yes, we really get surprised. And it has been wonderfully portrayed. I would like to highlight about actors also. There are many Marathi actors, senior actors, Dr. Mohan Agashe, Shruti Marathe, Vijay Patkar, Anand Kale, and there is one more, I think Mahesh Manjrekar and Medha Manjrekar is also there. So each and every of these actors what I have mentioned, they have portrayed their role very wonderfully. I would also mention that Shruti Marathe, who is, glam doll of Marathi cinema, but here, she is very ideal and what we can call as a pretty kind of a woman mind, as well as in terms of her gestures also. So definitely, Shruti is promising here. And yes, movie is very slice and dice and you will enjoy. It's entertaining movie, one-time watch movie. Yes, and I wish all the best for Dr. Ravi Godse for this movie. Yeah. So you just saw Remember Amnesia, how did you like the movie? See, the best part of the film was that, na, when you see this film, na, what you get is that our Indians who have settled over there in US and who are staying for 15, 20 years. At the end of the day, what happens is that they do realize the roots. And in this film, the director, he has taken such a wonderful take on this film as such. This person, he comes to India by default. See, he has got a very big position in US, where he is working as a doctor over there. He's highly respected, very senior. But the best part is that when he is acting very erratic in his work position in US, and when he is virtually required to come back to India, that's a default. By default, he has to come to India for 1 month. And then he starts realizing okay, what life actually means. So that is the best part of the film. What happens is that you can always act high-handed, but when it comes to reality, it's a different story altogether. I think the director has got a point over here and he has made it very specifically. It's a good attempt.
You can't say that this film is an out and out, you can say a commercial cinema or whatever, but it's a meaningful cinema. Somewhere along the line, he leaves a very good message that you should not act like you are something out of this world. You are very much rooted. Ultimately, you have to walk on the road. You can't be anywhere else as such. So you have to be rooted. And you have to act as you act in your real life as it is. You can't act high and mighty everywhere. And he realizes it. He realizes it late. But he's a true person like we get to see in the end of the film. Okay, actually, he has not killed his wife. But he helped her and her parents in saving the name and grace as such. I think it's a very good message in this film. And I enjoyed the film. I liked the film as such. And with the director, I hoped I would have met him over here, but I met all the other co-artists whom I know very nicely as such. So wish you all the best. And I think people should go and watch this film. Maybe they'll get some message out of it as such. फिल्म एकदम हटके है और बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि एक इंडियन डायरेक्टर अमेरिका और इंडिया को फ्यूजन करके एक अच्छा स्टोरी और बनाया है और कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया है. इसमें टोटल क्लास अपील है और ऐसी फिल्में जहाँ पे हीरो को लग जाता है और हीरो को रिकवरी होती है और बीच में क्या क्या होता है इंसिडेंट्स, ये हमेशा अच्छी होती है फिल्में वैसे. लेकिन क्या एक ही मेरा ये था कि इसमें मास अपील नहीं है पिक्चर में, और क्योंकि मास अपील नहीं है ये लिमिटेड मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए है. और डेफिनेटली फिल्म में ग्रिप बहुत है और एकदम ही सेंसिटिव हैंडलिंग किया है डायरेक्टर ने और सभी कलाकारों ने, भले बड़े रोल किए छोटे किए, सब लोगों ने अपना छाप छोड़ा है. और हीरो और हीरोइन जो भी हमारे मराठी एक्टर्स हैं उसमें, और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है इंग्लिश है, तो इसीलिए ये एक इंग्लिश थिएटर्स ही इसको मिलेंगे. तो मेरे हिसाब से बॉम्बे एंड साउथ इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेस फॉर दिस. और मेरे ख्याल से बिकॉज बीइंग अ मॉडेस्ट बजट फिल्म तो ये रिकवरी तो होना ही है. और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म काफ़ी लोग देखें क्योंकि इसके कंटेंट बहुत ही बढ़िया है. नहीं, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. रवि गोडसे जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने. एक बहुत ही टाइट फिल्म है, इसकी एडिटिंग और डायरेक्शन, स्टोरी बहुत अच्छी है, नरेशन कमाल का है, सभी कलाकारों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, महेश मांजरेकर हो या दूसरे जो एक्टर्स हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है. जो भूलने की बीमारी है और जो फिर उसमें जो इंटरेस्टिंग प्लॉट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छा है, ऑडियंस को बांध के रखता है. ओके, थैंक यू.